लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गोपाल, तुम? किसी तरह नींद नहीं आ रही थी। लगता है मेरे दिल में एक जबरदस्त तूफान आया हुआ है। हाँ, क्योंकि अब फैसले की घड़ी आ गई है। फैसला? किस बात का फैसला? अपनी जिंदगी का। मुझे फैसला करना है कि मैं अपनी जिंदगी के अंधेरे में घुट के मर जाऊं या जिंदा रहने के लिए रोशनी की आरजू करूं। ऐसी बातें करोगे तो मैं तुमसे नहीं बोलूंगी। वहीं रुक जाओ, पहले दूर खड़ी खड़ी मेरी बात सुनो और फिर जी चाहे तो मेरी बात के जवाब में मेरे करीब आ जाना। कहो। लोग कहते हैं प्यार में बड़ी ताकत है, कि ये सच है? हाँ। लोग कहते हैं प्यार पहाड़ों को हिला देता है, कि ये भी सच है? हाँ। लोग कहते हैं प्यार मुर्दों में जान डाल सकता है, कि ये भी सच है? हाँ। तो फिर मेरा प्यार इन मुर्दा टांगों में जान क्यों नहीं डालता? गोपाल, तुम्हारे पैर। हाँ। देखो, तुम्हारे पैर हिल रहे हैं। हाँ। इनमें जान आ रही है। उठो, उठो, मेरे पास आ, आओ, आओ, मेरे पास आ। सपना, मैं उठ नहीं सकता। उठ क्यों नहीं सकती? कोशिश करो। कर तो रहा हूँ, नहीं होता। मुझसे प्यार करते हो तो एक बार और कोशिश करो। अपने लिए नहीं तो मेरे लिए कोशिश करके उठो। हाँ, हिम्मत करो, उठो ना, उठो। देखो, अभी अगर तुम नहीं उठोगे तो मैं मर जाऊंगी। हाँ, पकड़ो, मेरे पास आ जाओ। लो, मेरा हाथ पकड़ लो, पकड़ो, ये लो। गोपाल, मैं खुश से पागल हो जाऊंगी। आगे बैठ जाओ। नहीं, अब मैं कभी नहीं बैठूंगा। जिंदगी भर यूं ही खड़ा रहूंगा। देखो, जिद मत करो। आओ, आस्ते आस्ते इधर बैठो। इसी तरह नहीं बैठे रहो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। डॉक्टर? हाँ, उसने तुम्हें नई जिंदगी दी है। अब तो मुझे उसकी फीस के लिए भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। बंदोबस्त? हाँ, 5,000 मेरे पास है, बाकी का किसी से कर्ज ले लूंगी। मजाक कर रही हो क्या? डायमंड क्वीन 25,000 के लिए कर्ज लेगी? डायमंड क्वीन तो मैं सिर्फ नाम की हूँ, वैसे तो मैं गरीब लड़की हूँ। नहीं सपना, मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं। तुम क्या जानो? मुझसे पूछो, मेरे दिल से पूछो, जिसने तुमसे प्यार किया है। सपना, यही बात दरवाजा बंद करके होता है। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू डॉक्टर साहब। गोपाल तो ऐसे उठकर खड़ा हो गया जैसे उसके पैर कभी खराब थे ही नहीं। ना 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 ना, तेर पा तो खराब छिलो ही, इसका पांव तो खराब था ही, किंतु लगभग भारवाजी क्या कोरेगा, तकदीर बहुत अच्छा है। अगर तकदीर अच्छे नहीं होते तो आप थोड़ी मिलते। हम तो मिल जाते, तुम ही नहीं मिलते। एक हम ही ठीक नहीं किया, तुम्हारा प्यार ठीक किया, फिर हमार फीस कैसा? वाई, हम फीस का एक टोका भी नहीं लेगा। लेकिन कैप्टन के लिए ज्यादा एक्साइटमेंट अच्छा नहीं, इसको हम साथ ले जाता है। ठीक है डॉक्टर, अब मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। अच्छे अच्छे, तुम्हें हमारे सहारे की जरूरत है। चलो चलो। ठीक है सपना, मैं तुम्हें फिर मिलूंगा। ठहरो, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। आप तकलीफ नहीं करो, हम ही ले जाओ। चलो चलो। सांभर के क्यों, क्या हुआ? अब मैं क्या करूं उस्ताद? वो शर्त के बारे में? शर्त को मारो गोली, यहां जान पर बनी और आपको शर्त की पड़ी। कुछ चीजें 25,000 से भी कहीं ज्यादा कीमती होती है। जैसे? जैसे कि मेरा सर। वो तो बिल्कुल खाली है बच्चे। ठीक कहते हो उस्ताद, बिल्कुल खाली है। अब तुम ही बताओ, मुझे किसी गरीब लड़की पर आशिक होने की जरूरत थी क्या थी? गरीब लड़की? तुम्हारा मतलब है सपना? और नहीं लगे तुम? उस्ताद तुम समझते क्यों नहीं? लेकिन तुम ये आशिक हुए कब? अभी अभी, सीधा आशिक होकर। लेकिन बात ही कुछ बेतुकी है। कहां वो एक देवी, कहां मैं छोटा पंगा। 420, यही तो मुश्किल है गुरु। अब तुम ही बताओ, तुम उस्ताद हो? वो तो हूं। अब मेरा क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा जी। ओह माय गॉड, एक आदमी को तुम लोग रास्ते से नहीं हटा सके। आला बहुत तेज है। झूल के भाने मत बोलो, मैं बच्चा नहीं हूं। ठीक है, अब मैं उस हरामजादे को पढ़ाऊंगा नया प्रेम शास्त्र। सुनो,
एक घंटे बाद मैं तुम्हें डाइनिंग रूम में मिलूंगी। अगर बीच मेरी याद आता है तो मैं ऊपर अपने कमरे में हूँ। हाय। सपना जी, जो लड़का आपके साथ प्यार का नाटक रचा रहा है वो ना तो अपाहज है और ना ही कैप्टन, बल्कि यहाँ का एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, आपका एक शुभचिंतक। सपना को बेवकूफ बना के 25,000 रुपए निकालने का ब्राइट आइडिया मेरा था या तुम्हारा? लंगड़ा कप्तान बन के सपना को फंसाने तू लगा था या मैं? और डॉक्टर चक्रवर्ती बन के सीज का चक्कर मैंने चलाया था तुमने? बशूर बशूर, मार मार के मेरे घुटने तोड़ दिए। बखुरदार, मैंने तो घुटने ही तोड़े। जिस वक्त सपना को ये पता चलेगा कि तू 420 है तो सैंडल मार मार कर तेरा सर तोड़ देगी। मिस सपना धनराज कौन से कमरे में है? 901। थैंक यू। आपको किससे मिलना है? पहचाना नहीं बेटी? किशन काका? सपना बेटी, तुम मिल गई, मेरी बरसों की तपस्या का फल मिल गया। मुन्ना कहाँ है? सब बताता हूँ, पहले तुम बताओ तुम इतने दिनों कहाँ रही? डैडी के डेथ के बाद हम लोगों को पैसों की तंगी हो गई थी, इसलिए आंटी ने घर बेच दिया और मुझे लेकर सिलोंग चली गई। वहाँ हम लोग काफी साल रहे, उसके बाद दिल्ली में सेटल हो गए। जब नहीं मिल रही थी। बेटी ये लो अपनी अमानत। अमानत क्या है इसमें? इसे मैंने खोलकर कभी नहीं देखा, लेकिन इतना जानता हूँ इसमें 50 लाख के जेवरात। 50 लाख? लेकिन लोगों का कहना है कि जब डैडी का एक्सीडेंट हुआ था तब हम लोग का सब कुछ बिक चुका था। नहीं बेटी, लोगों को मालूम नहीं। और फिर सेठ जी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उनका खून किया गया था। क्या? सेठ जी जेवरात खरीदने बड़ी बड़ी रियासतों में जाते थे, ये तो तुम्हें याद है ना? हाँ। एक महाराजा कुछ जेवरात बेचने की जल्दी में था, 30 लाख रुपए में 50 लाख के जेवरात मिलने की उम्मीद थी। सेठ जी ने अपने सारे शेयर वगैरह बेच डाले और 30 लाख रुपए इकट्ठा करके हम दोनों वहाँ चले गए। हाँ हाँ, ये तो मुझे भी याद है। बस सौदा हो गया, लेकिन मुझे पता चला कि उसी रियासत का दीवान वो जेवरात उड़ा लेना चाहता है। मैंने सेठ जी से कहा मगर उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी। इसके बाद जब वहां से कार में निकले तो मैंने देखा एक दूसरी कार हमारी कार का पीछा कर रही है। Thank you.
किशन जी, मैं इस जगह को जानता हूँ। मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। तुम मुन्ना को लेकर उस दरवाजे से जाओ, मैं आ जाऊंगा। मगर सेठ जी, अरे जल्दी करो, वो पीछा बने आओ। तुम लोग चारों तरफ फैल जाओ, चाहे इन लोगों को जान से क्यों ना मार डालना पड़े, पैक हासिल करके लाओ, जाओ जल्दी। देखो, धनराज की लाश को इसी की गाड़ी में डालो और गाड़ी समेत इस लड़के के पास पहुंचा दो। और जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में था। मुझे बताया गया कि मालिक की कार का एक्सीडेंट हो गया और उनकी लाश कार में पाई। ये गलत था। मैंने बहुत कहा, उनका एक्सीडेंट नहीं, उनका खून किया गया है, मगर मेरी किसी ने न सुनी। अस्पताल से निकलकर मैं मुन्ना की तलाश में निकला, मगर उसका कहीं पता ना चला। आज तक कहीं पता ना चला। बैग खोलो और मुझे नमक की कैद से आजाद कर दो। लेकिन मैं ये सब कुछ लेकर करूंगी क्या? बेटी, ये सब कुछ अब तुम्हारा है। सेठ जी ने इसे बचाने के लिए इतनी जान दी, इसे लेना तुम्हारा हक ही नहीं, फर्ज भी है। क्या हुआ बेटी? भगवान, बेटी मैं कसम खाता हूँ, इस बैग को आज तक किसी ने नहीं खोला। कसम क्यों खाते हो काका? मेरी तकदीर इन पत्थरों के लायक है। इस खत को तो पढ़ो। बेटी सपना, अगर किशन मेरे साथ नहीं मारा गया तो ये खत तुम तक जरूर पहुंचा देगा। इस वक्त मुझे कोई और तरकीब नहीं सूझ रही। तुम्हें जेवर तक पहुंचाने का यही एक तरीका है। मालपुर अपनी आंटी मिस राणा के पास जाओ, जो ग्रीन कॉटेज पार्क रोड पर रहती है, उन्हें ये खत दे देना। बैग के पत्थरों को सेफ में नहीं अपने दिमाग में रखना। तुम्हारा डैडी। ये आंटी कौन है? सेठ जी ने लिखा है तो कोई आंटी जरूर होगी। लालपुर, हाँ यही वो रियासत थी जहाँ से हमने जेवरात खरीदे थे। तुम तो उस दीवान को पहचानते होंगे ना काका? पहचानता क्यों नहीं बेटी। तब तो मुझे ना ये दौलत चाहिए ना ये बैग। मैं उस दीवान से डैडी और मुन्ने का पतला लूंगी, उसे कुत्ते की मौत मारूंगी। तुम मेरे साथ चलोगी ना काका? बेटी, पहले मैं मालिक की परछाई था, अब तेरी परछाई हूँ, जरूर चलूंगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ, कल सुबह आऊंगा। अब तो तुम्हें सपना के प्यार पर कोई इतराज नहीं, तुम्हारे लिए वो फिर से अमीर बन गई। ठीक है उस्ताद, कसलो जुमलेबाजी, लेकिन जिस दिन तुम किसी लड़की के इश्क में पड़ोगे ना, तब पता चलेगा। बरखुरदार, दुनिया में कोई भी लड़की 50 लाख रुपए से ज्यादा हसीन नहीं है, समझे? रहने दो उस्ताद। दीवान, तुम? हाँ किशन, मैं। आ, 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 आ,
बड़े दिनों के बाद मिले हो, भागने चाहिए दूंगा। टाइगर गेट अप। कहाँ है नेकलेस? मुझे नहीं मालूम। टाइगर इनकी याददाश्त कमजोर हो गई है। अबे चेक किया देता हूं, नहीं याद आया? याद आया नेकलेस कहाँ है? भगवान की भक्ति में उस नेकलेस लिए तूने मालिक का फोन किया। बकवास मत, कौन कहता है? मैं कहता हूं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मैं पुलिस को खबर कर दूंगा कि तूने मालिक का फोन किया। टाइगर है। नेकलेस नहीं पता है। नहीं नहीं नहीं। सपना सपना, कमाल है, इतनी आवाजें दे रहा हूं और तुम सुन ही नहीं रही हो। कहां हो? आसमान से जमीन पर आ गई हो ना, इसलिए आपकी आवाज सुनाई नहीं देती कैप्टन साहब। आप कैप्टन, ये क्या कह रही हो? बंद करिए नाटक। नाटक? हाँ नाटक। ये लो। किसका खत है? डॉक्टर चक्रवर्ती के क्लिनिक से आया है। डॉक्टर चक्रवर्ती का? डॉक्टर चक्रवर्ती? सपना सपना सुनो सुनो। क्या बात है बरपुरदार? कमाल है उस्ताद, जब मैं धोखा दे रहा था वो असलियत समझ रही थी और आज असलियत को धोखा समझ कर चली गई। ये देखो। ये क्या है? तुम्हारा डेथ सर्टिफिकेट। हाँ, ये तो तुम्हें लिफाफे पे डॉक्टर चक्रवर्ती का पता लिखने से पहले सोचना चाहिए था। एक बात है बरपुरदार, मामला बहुत सीरियस हो गया है। वो कैसे? जिस दीवान ने किशन को मारा है वो सपना को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। हम सपना को मरने नहीं देंगे। फिर क्या, जान पर खेलने का वक्त आ गया। सच तो सर हथेली पर। चलो। सपना धनराज। सपना धनराज? एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा, आपने अभी अपना नाम सपना धनराज बताया ना? जी। मेरे एक बड़े अजीज दोस्त थे, उनका नाम भी धनराज था, मगर वो जयपुर के रहने वाले थे। जी, वो मेरे डैडी थे। तुम्हारे डैडी? माय गॉड, कमाल है। मैं अपने अजीज दोस्त की बेटी को आप जनाब कह रहा हूं, मगर बेटी मैं पहचान भी कैसे सकता था, तुम बहुत छोटी थी। धनराज जब भी आता था मेरे साथ ठहरता था, मगर आखिरी बार जब आया मैं अमेरिका गया हुआ था। फिर बेटी होनी को टाल भी कौन सकता है? हजार बार मैंने कहा कि गाड़ी धीरे चलाया करो, मगर कभी नहीं माना। आखिर वही हुआ ना जिसका डर था। जी नहीं, उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ, उनका खून किया गया था। खून? बेटी एक मिनट रही था, मैं तो कहता हूं कि ऐसे देवता समान आदमी का आखिर कौन खून कर सकता है? दीवान ने। दीवान? अच्छा ये बताओ कि तुम्हें इतना यकीन क्यों है? किशन काका ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। किशन ने? तो उसने पुलिस को क्यों नहीं बताया? यहाँ की पुलिस भी दीवान की पुलिस थी। कहाँ है किशन? मैं उसको ले जाऊंगा पुलिस स्टेशन पर और देखता हूँ कि पुलिस कैसे कुछ नहीं करती। किशन काका का भी खून कर दिया गया है, अब वो मेरे पीछे पड़ा है और मैं उसके पीछे। माय गॉड, बेटी जरा यहाँ एक मिनट यहाँ बैठो। आखिर मेरे होते हुए तुम्हें ये सब करने की जरूरत क्या है? मैं खुद उस दीवान से मिलूंगा और जिस दिन वो मुझसे मिला वो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। और फिर ऐसे हालात में तुम्हारा यहाँ रहना ठीक भी नहीं है, और फिर जब घर मौजूद है तो होटल में रहने की क्या जरूरत है? नहीं अंकल, मुझे यहाँ और भी बहुत काम है, जब आपको दीवान का पता मिल जाए तो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा जैसी तुम्हारी मर्जी, मगर एक बात मेरी माननी होगी, जब तक तुम इस होटल में हो मेरी मेहमान रहोगी। नहीं अंकल, ये कैसे हो सकता है? ये जरूर होगा, तुम धनराज की बेटी हो, जरूर होगा। मगर देखो भाई, इनका बिल मेरे अकाउंट में डाल देना। अच्छा बेटा मैं चलता हूँ, फिर कभी आऊंगा। थैंक यू अंकल, बाय बाय। देखिए मेरा लगेज ऊपर भिजवा दीजिएगा।
मम्मी गालिब का वो क्या शेर है, वो आए घर में हमारे, आगे क्या है याद नहीं। कोई बात नहीं, तशरीफ लाइए, आइए आइए, जरा रुकिए मैं अपनी पलके बिछा लूं। आहा आहा देखिए मुझे, आप ही को देख रहा हूँ, बरसों से इस रास्ते पे खड़ा हुआ आप ही का इंतजार कर रहा था। मेरे सपनों में आने वाला चेहरा बिल्कुल यानी 100% यही है। सुनिए मिस्टर, मुझे आंटी से मिलना है। मैं जानता हूँ आपको आंटी ने यानी मेरी मदर और आपकी डियर मदर इन लॉ ने बुलाया है। What? ये क्या रहा किशोर? मम्मी लव हो रहा है, लव, मीट माय लैला। शट अप, कौन है ये? जी मैं आंटी से मिलना चाहती हूँ। कौन आंटी? मिसेस राणा। मैं हूँ, क्या काम है? वो ये लेटर। जी। अरे किशोर, ये तुम्हारे अंकल धनराज की बेटी सपना है। सपना? ना, सपना होती तो आंखें बंद करने के बाद दिखाई क्यों ना देती मम्मी। ये पागल है। बैठो बेटी, बैठो बैठो, मैं भी आती हूँ। ला 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 ला। मेरी अर्जी पे जरा गौर कीजिए ना। ये मेरे बचपन की तस्वीर है, अक्सर डैडी के पास रहा करती थी। इस तस्वीर के पीछे मेरे सिग्नेचर भी है। ये लो। बस इतना से पापा? बस यही है, वो बहुत जल्दी में थे, बस ये तस्वीर और पैकेट देके चले गए। ये 65 क्या है? पता नहीं, फिर भी थैंक यू आंटी। तुम थेरी कहाँ हो? होटल ब्लू हेवन में। कुछ दिन रहोगी ना? अभी पता नहीं। बॉयज, वो देखो वो लड़की आ रही है ना, उसके हाथ में सफेद पर्स है, किसी तरह से भी लेकर हवेली आ जाओ। Hi. तुम फिर यहाँ आ गए? Yes. डॉक्टर चक्रवर्ती आप? In person. लेकिन सपना जी, अगर हम लोग यहाँ नहीं होते तो आपका ये हैंडबैग आपको कैसे वापस मिलता? मैं तुम लोगों की बातों में नहीं आने वाली, तुम लोगों की हर बात छूटी है, वो आदमी में तुम लोगों के होंगे। ला मेरा पर्स। ये क्या हुआ? ना धन्यवाद और थैंक यू, ये क्या बात है? लीजिए लीजिए लीजिए। उस्ताद वो तो चली गई। पर्सदार बुजुर्ग कह गए कि बोलने और चुप रहने पर कंट्रोल हो सकता है लेकिन सुनने पर नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तुम नहीं बोलोगे तो वो बोलेगे कि तुम बोलते नहीं हो। तुम्हारा मतलब? बोलो। हाँ जाओ 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 जाओ।